आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे जालौर का। जालौर में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोप गांव के ही सरपंच, ग्राम सेवक और ग्राम पंचायत के ठेकेदार पर, लेकिन लड़की ने जैसे ही पुलिस में मामला दर्ज करवाया, परिवार पर जैसे कहर टूट पड़ा। दबंगों ने लड़की और उसकी मां को घर से उठा लिया है। दोनों पिछले 4 दिनों से गायब हैं। लड़की का पिता पुलिस से गुहार लगा रहा है। न्याय और समानता की दलीलें तो बहुत दी जाती हैं, लेकिन वो दलीलें अक्सर किसी मोड़ पर या किसी चौराहे पर दम तोड़ देती हैं, जब किसी दलित या गरीब परिवार पर जुल्म होता है। जालौर में एक दलित लड़की के साथ दबंगों ने गैंगरेप किया और जब लड़की ने पुलिस में मामला दर्ज कराया तो लड़की और उसकी मां को गायब कर दिया गया। आपको ये पता नहीं है कि लड़की कहाँ है? मोबाइल फोन करके हुआ? कोई बंद है या चालू है? चालू ही कोई। जिस लड़की को गैंगरेप के बाद आरोपी छोड़ गए थे, वो लड़की मामला दर्ज कराने के बाद से गायब है। गैंगरेप और अपहरण का आरोप गांव के सरपंच, ग्राम सेवक और ग्राम पंचायत के ठेकेदार पर है। सवाल ये भी है कि पीड़ित लड़की का मेडिकल क्यों नहीं हुआ और अब तक 164 के तहत बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया है। अब पुलिस इस पीड़ित परिवार को कितनी मदद करेगी और कब आरोपी पकड़े जाएंगे, ये तो वही जाने। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये जाहिर किया है कि गरीब और कमजोरों के लिए न्याय अब भी दूर की कौड़ी है। अब भी कानून के आगे दबंगों और बाहुबलियों की तूती बोलती है। बबलू मीना, जी मीडिया, जालौर। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजस्थान वक्फ बोर्ड की, जिसको नया चेयरमैन तो मिल गया, लेकिन अब बोर्ड के लिए सबसे बड़ी चुनौती का काम है सरकारी विभागों से किराया वसूलना। विकास राशि की किल्लत से जूझ रहे वक्फ बोर्ड को सरकार और उसके विभाग ही पैसा नहीं देते। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2012 में वक्फ की 63 संपत्तियों में सरकारी विभागों का काबिज होना माना गया था। तब राज्य सरकार ने 3 करोड़ रुपए की राशि वक्फ को दी थी, साथ ही इन संपत्तियों का किराया पीडब्ल्यूडी को सौंपकर मासिक किराया वक्फ को देने की बात कही थी। लेकिन आज 4 साल बाद भी वक्फ के हाथ खाली हैं। राज्य सरकार में वक्फ के नाम पर 18,000 से भी ज्यादा संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं। इनमें से अधिकतर कब्रिस्तान और दरगाह हैं। वहीं किराए पर चल रही संपत्तियों में से सीधा किराया बोर्ड को सिर्फ 13 ही संपत्तियों का मिलता है। वहीं 500 संपत्तियां ऐसी हैं जिनका किराया बोर्ड को अंशदान के रूप में मिलता है। इसमें से प्रति संपत्ति वार्षिक आय केवल 5,000 रुपए है। सबसे बड़ा इसके अंदर सुलझाने के लिए मुझे मदद मिलेगी, मैं समझता हूँ राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी बहुत बड़ी सोच की है और विकास वाली सोच की है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी। तो जब भी इस तरीके की कोई चीज होगी तो उन सबको हम करके अंडरलाइन करके एक लिस्ट बना के निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी पास जाएंगे। वक्फ के जिन सरकारी विभागों से पैसा बकाया है वो है PHED, शिक्षा विभाग, पंचायती राज, विधि विभाग, नगरीय विकास, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग के कुल 7.5 करोड़ रुपए बाकी हैं। वरुण भंसाली, जी मीडिया, जयपुर। नागौर की, नागौर जिले के गुढ़ा भगवान दास में पुलिस का संयुक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। राजू ठेठ गैंग गिरोह के 3 गुर्गों की तलाश में अजमेर रेंज IG मालिनी अग्रवाल सहित अजमेर और बीकानेर जिलों के SP गुढ़ा भगवान दास क्षेत्र में सशस्त्र पुलिस जवानों के साथ गैंगस्टर की तलाश में लगे हुए हैं। राजू ठेठ गैंग के गुर्गों की तलाश को लेकर जिले और आसपास के जिलों में नाकेबंदी की जा रही है। बीती रात गुढ़ा भगवान दास क्षेत्र के पास राजू ठेठ गैंग के गुर्गों ने फायरिंग कर नागौर जिला पुलिस की टीम पर, QRT टीम पर फायरिंग कर दी थी। इसमें एक जवान शहीद हो गया। इस मामले को लेकर फॉर्च्यूनर छोड़कर भागे गुर्गों को इस बात की संभावना जताई जा रही है कि कहीं ये गुर्गे आनंदपाल सिंह के आदमी तो नहीं थे। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक जांच टीम ने घटनास्थल से तथ्य जुटाए। किस प्रकार की गैंगस्टर जो फरार हुए हैं उसको लेकर किस प्रकार की यहाँ सर्च अभियान चलाया जा रहा है, ये बात करते हैं अजमेर रेंज की IG मालिनी अग्रवाल से। मैडम, किस प्रकार का सर्च अभियान चलाया जा रहा है आपके यहाँ? देखिए, अभी ऐसा है कि ये कॉम्बिंग ऑपरेशन हम लोग चला रहे हैं और अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। रात से ही सब लोग लगे हुए हैं
और जैसा भी होगा फिर आप लोग को बताया जाएगा। ये थी रेंज आईजी माली नगोरा जो बता रही है कि जो तीन गैंगस्टर है उनकी गिरफ्तारी को लेकर सर्च अभियान चलाया जा रहा है जो बदस्तूर जारी है। इधर आनंदपाल के विरोधी राजू ठेहट गैंग के मामले में कांस्टेबल हरिंद्र की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। हरिंद्र के पैर पर एक गोली लगी, वहीं सिर के पास से एक गोली निकल गई। जोधपुर के एमडीएम ट्रॉमा आईसीयू में कांस्टेबल हरिंद्र का इलाज जारी है। आपको बता दें कि राजू ठेहट गैंग के सदस्यों का पीछा करने के दौरान बदमाशों की तरफ से की गई फायरिंग में दो पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इनमें से एक कांस्टेबल ने अस्पताल लाने के दौरान ही दम तोड़ दिया था, वहीं दूसरे का इलाज जारी है।